ये महाराष्ट्र के पुणे, जहां पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, प्रवासी राजस्थानियों को संबोधित कर रहे हैं। वो इनसे भी ऊपर जा रहे, किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि वोट की चोट से इनको सबक सिखाना है, और जो मेरे भाई किसी तरह से किसी झांसे में आते हैं उनको भी समझाना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, और वो तमाशा इसलिए देख रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, उनके समझ नहीं थी, कहीं ना कहीं ये परेशानी थी। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं उनको भी समझाने का काम आपको करना है कि आपका भला कर सकती है, आपके गांव का भला कर सकता है, आपके मोहल्ले का भला कर सकता है, आपके कॉलोनी का भला कर सकता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। मित्रों, आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में यही अपील करता हूं कि आप एक दीपक आप जलाएं, एक दीपक मैं जलाऊं, और उजाला पूरा उजाला होता रहे, और महाराष्ट्र में बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय